तो आप कुरान से कोई भी सवाल करेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा। आप कुरान से कुछ भी पूछेंगे तो कुरान आपको बताएगा। मैंने पूछा कुरान आका का चेहरा भरा 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 कुरान कहता है बद्दुआ, मतलब बोल दे सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान आका का चेहरा भरा भरा कुरान कहता है बद्दुआ। मैंने पूछा कुरान आका की जुल्फे बता, कुरान कहता है बन लैली एदा सजा। मैंने पूछा कुरान आका के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने पूछा कुरान आका की नजर बता, कुरान कहता है मा ज़ाहर बसर व मा तहा। मैंने पूछा कुरान आका का जिक्र बता, कुरान कहता है बड़ा फराना लगा जिक्र सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान आका का सीना बता, मैंने पूछा कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नज अल्लाहु आई नहीं। मैंने पूछा कुरान आका के लब बता, कुरान कहता है वले साजा व शफताई सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान चादर बता, कुरान कहता है या यहल मुत्तसिर। मैंने पूछा कुरान आका की सिफात बता, कुरान कहता है शाहिद मुबशर नजीर दाई इल्ला सिराज मुनीर सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान कुरान मैंने पूछा कुरान 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 आका का اخلاق बता, कुरान कहता है इन्नका लाला खुलुकिल अजीम। मैंने पूछा कुरान आका की मिराज बता, कुरान कहता है सुभान अल्लजी असरा बिअब्दिहि लैला सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान कुरान मैंने पूछा कुरान आका की परवाज बता, कुरान कहता है काबा कौसैन अवदना। मैंने पूछा कुरान आका की बातें बता, कुरान कहता है वमा यनहु अनिल हवा। मैंने पूछा कुरान आका का जमाना बता, कुरान कहता है बल असर। मैंने पूछा कुरान कुरान आका के यार बता, कुरान कहता है उलाइका अला हुदा रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अगर बोल दे सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान मैंने पूछा कुरान आका का अबू बकर बता, कुरान कहता है नबी जा बिस्त पसंद कभी। मैंने पूछा कुरान आका का उमर बता, कुरान कहता है अशद शाओ अल अफार। मैंने पूछा कुरान आका का उस्मान बता, कुरान कहता है रहमाओ बैना। मैंने पूछा कुरान आका का अली बता, कुरान कहता है तरा हूं रुकन सुजदा सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कुरान मैंने पूछा कुरान आका की इताअत बता, कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। मैंने पूछा कुरान आका की फरमाबरदारी बता, कुरान कहता है मैं युति रसूला फकद अल्लाह। मैंने पूछा कुरान आका का दुरूद बता, दुरूद तो कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल लदीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिम। जूम का दुर पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लम सलातो व सलाम अलैकी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप कुरान पाक से कोई भी सवाल करेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा। पूरे कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबाराक व तआला ने जा बजा अपने हबीब का अपने महबूब का जिक्र किया, अपने हबीब का जिक्र फरमाया है, है कि नहीं? मोहब्बत इत्राम भाई आप खड़े हो, अगर आप सामने बैठ जाए बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए कुर्सियां ये सब कुछ आप लोगों की मोहब्बत में लगाया गया, बस हम लोग तो आ गए हैं गुनाहगार कैसे से आप जैसे नेक लोगों की फिरिस्त में खड़े होकर अपने गुनाहों के क्षेत्र में वबा को दूर करने का हम लोगों को मौका मिलेगा, है कि नहीं? बस बैठ जाए मोहब्बत इत्राम के साथ। अब इजाजत है तो मैं एक शेर पढ़ दूं, सुनेंगे आप लोग मेरे भाई? जरा बुराए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, तलब कर बोले सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि तनी है बनकर जो आए वहां, जब मेरे आगे दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तब 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 क्या माहौल था। और अब देख मेरे भाई कि रहमतुल्लाह आलमी बनकर जो आए मुस्तफा, देखते ही देखते आलम पे छाए मुस्तफा। मेरी आवाज पहुंच गई भाई आप तक?
पौत्री बाप की अपनी आवाज पहुंचा दे, जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बड़ा मां से बोले या रसूल अल्लाह, दिल से बोले या रसूल अल्लाह, झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुआए मुस्तफा, देखते ही देखते आलम छाए मुस्तफा, कि रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुआए मुस्तफा, देखते ही देखते आलम पे छाए मुस्तफा, और झुक गया झुक गया काबा अदब के साथ ये कहते हुए, देखो मेरा आज काबा बन के आए मुस्तफा, झुक गया काबा अदब के साथ ये कहते हुए, देखो मेरा आज काबा बन के आए मुस्तफा, देखो मेरा आज काबा बन के आए मुस्तफा, और क्या ताज्जुब है, क्या ताज्जुब है, अगर पढ़ते हैं सब अहले ज़बान बेज़बान बनकर को भी कलमा पढ़ाए मुस्तफा, क्या ताज्जुब है अगर पढ़ते हैं सब अहले ज़बान बेज़बान बनकर को भी कलमा पढ़ाए मुस्तफा, दिल से फिदाए हज़रत उस्मान हो जाते, अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, गदा बनकर भी अपने वक्त का सुल्तान हो जाते। हजरत जो भाई हमारे पीछे खड़े हुए जो हुफ्फाज़ इकराम हैं, वो मेंबर नूर पर तशरीफ ले आए, खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना आसिफ रजा साहब क़िबला के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही, तो मेंबर नूर पर तशरीफ ले आए भाई। देखिए बहुत अच्छे अंदाज में जनाब मोहतरम हजरत सदर आलम साहब क़िबला बहुत अच्छा पढ़ रहे, अच्छा पढ़ रहे मेरे भाई, अच्छा पढ़ रहे थोड़ा, देखिए वो जलसों में बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, समझ रहे हैं आप, कहीं के जलसों में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कहीं के जलसों में बहुत देर तक पढ़ते हैं, कहीं कहीं इतनी देर तक पढ़ते हैं जब तक कोई हादसा नहीं होता माइक से हटते ही नहीं मेरे भाई, मगर आज तो करम हो गया कि आप लोगों ने उनको जल्दी बैठा दिया है कि नहीं, आप हजरात की मोहब्बत है वरना पढ़ते भी बहुत अच्छा माशाल्लाह, बस अदब एहतराम के साथ बैठे, इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ दूं, सुनेंगे भाई आप लोग सुनेंगे, जरा अपने हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग जाना चाहते हैं मेरे भाई, यार अभी तो जलसा शुरू हुआ है आप चले जाएंगे तो भाई जल्दी जल्दी मिलेंगे, स्टेज वालों है नहीं, बस मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, तड़पकर बोले या रसूल अल्लाह, झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, कि अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, गदा बनकर भी अपने वक्त का सुल्तान हो जाते, बोल दे मोहब्बत के साथ, यार आप बड़े खामोश बैठे मेरे भाई, देखिए हम लोग जलसे में हैं और भदोही के सरजमीन पर जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं मेरे भाई है कि नहीं, हम और आप कम से कम स्टेज वालों को अल्लाह पाक ने नाद पढ़ने का, सुभान अल्लाह कहने का, अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीर करने का हुनर दिया है, तो हमें और आप सुभान अल्लाह कहने का हुनर दिया है मेरे भाई है कि नहीं, हफ्ते दो हफ्ते में कभी कभी हम और आप सुभान अल्लाह कह लिया करें, ये हम लोगों के लिए तोशे आखिरत होगा, बस मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, बोले 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 मोहब्बत के साथ, लेकिन आप खामोश हो जाते तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को जाना कहां तक कहां चलेंगे मेरे भैया, आप लोग बोलते रहते तो स्टेज वालों को थोड़ा सा हौसला मिलता रहता मेरे भैया, जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, गदा बनकर भी अपने वक्त का सुल्तान हो जाते, और मेरा दिल हजरत अय्यूब अंसारी का घर होता, मेरा दिल हजरत अय्यूब अंसारी का घर होता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान हो जाते, या रसूल जिंदाबाद 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 माशाल्लाह ताजु शरीयत सुभान अल्लाह अकबर या रसूल माशाल्लाह, क्या अच्छा नारा लगा मेरे भाई, यही लोग आज से 70-72 साल पहले पैदा हुए थे, मेरा मुल्क हिंदुस्तान बहुत पहले आजाद हो गया होता मेरे भाई है कि नहीं, बस आप लोग रहे ये हम लोगों के लिए बड़ी कामयाबी की जमानत मेरे भाई है कि नहीं, बस अपनी दुआओं की उम्मीद हमारे हवाले कर दें कि हम लोगों को आगे का सफर तय करने में किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े मेरे भाई है कि नहीं, बस एक शेर समाज फरमा दे कि अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाते, गदा बनकर भी अपने वक्त का सुल्तान हो जाते, मेरा दिल हजरत अय्यूब अंसारी का घर होता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान हो जाते, मेरा दिल हजरत अय्यूब अंसारी
अंसारी का घर होता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान हो जाते। कुछ लोग तो बोल रहे हैं मगर कुछ लोग एकदम खामोश बैठे मेरे भाई। मैं सूफी नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर आए हैं उनको उठा उठा कर रखा गया मेरे भैया के लिए। कम से कम आप लोग बोलते रहे वरना महसूस तो ये हो रहा है कि जमीन को छोड़कर पिंडाल पर बैठे हुए हैं। यहाँ कालीन है तिरपाल पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह कहते भी नहीं है शेर को सुनकर हमें लगता है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं मेरे भाई है कि आप हैं तो बस अपने होने का सबूत देते रहे। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह पर बोले या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मुदब्बिर कौम मुफक्किर इस्लाम काजी शहर भदोही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे मियां शाह साहब इमाम जामा मस्जिद तकिया कल्लन शाह काजी शाह भदोही मेंबर नूर की उधल अदबी मजहबी शेरी किताब की सूरत में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की नौरानी चेहरे की आप ज़ियारत करते रहे और इनकी दुआया करमा से मुस्तफीज होते रहे। बस मोहब्बत से बैठे रहे बस एक शेर समाप्त फरमाने मेरे भाई। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह जोर से बोले या रसूल अल्लाह कि मदीने की हवा मुजदा मदीने की नहीं मदीने की हवा मुद्दा मदीने की सुना जाए। मैं तैबा जाऊं या तैबा मेरे दिल में समा जाए। जरा जोर से बोल दे नबी के नाम पर बोल दे और जोर से बोले या रसूल अल्लाह मदीने की हवा मुद्दा मदीने की सुना जाए। मैं तैबा जाऊं या तैबा मेरे दिल में समा जाए। मैं तैबा जाऊं या तैबा मेरे दिल में समा जाए। और इसी उम्मीद पे हर सुबह को सूरज निकलता है अली की गोद में फिर मुस्तफा को दीद आ जाए। इसी उम्मीद पे हर सुबह को सूरज निकलता है इसी उम्मीद में हर सुबह को सूरज निकलता है अली की गोद में फिर मुस्तफा को नींद आ जाए। अली की गोद में फिर मुस्तफा को नींद आ जाए। हजरत भाई मोहब्बत इत्राम के साथ हजरत सय्यारा कमर साहब सुनना चाहते हैं आप लोग सुनेंगे मेरे भाई। यार कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं सर यार कमर भाई को आपके हवाले के हम लोग महरूम हो जाएंगे उनसे मेरे भाई। सुनेंगे ना आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो अपने हाथ को उठाएं नारा इस्तकबाल कर लें ताकि बेहतरीन माहौल की पैदावार हो जाए। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत दश्ते मिलादुल नबी दश्ते गौसे आजम फैजाने गौसे आजम आएगी भला मुश्किल है जो पास हमारे जब पास है हजरते अब्बास।